स्वागत है आपका वंडर एंड ट्रैवल पे। आज जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको वो एक बहुत ही नामी मुगलाई जॉइंट है। लगभग 10 सालों से यहाँ कुरला में है। अगर आप ये जगह नहीं जानते हैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि BKC यहाँ से 2 किलोमीटर के दूर पे है, कमर्शियल प्रॉपर्टी एरिया है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल लोग भी रहते हैं। अगर आप इस जगह पे आएंगे 40 ऐसे रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे इस रोड पे ही दिख जाएंगे, पर आपको इस जगह के बारे में मैं खासकर बताना चाहूँगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली जायका के बारे में। आप सोच रहे होंगे दिल्ली जायका यहाँ कैसे। दिल्ली जायका यहाँ पे लगभग 10 सालों से है और ये दिल्ली जायका इतना फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपको चिकन, मटन और इनके जो स्पेशलाइज्ड डिश हैं वो काफ़ी फेमस है। तो लोग यहाँ पे शाम के 7 बजे से लेके 1 बजे तक जो आपको भीड़ मिलेगा। आज ये जगह 4 ब्रांचेज हैं। ये एक जगह है जहाँ पे कुरला में इनके 2 आउटलेट हैं, इनके साथ ही 3 और ब्रांचेज हैं जहाँ पे ये फेमस है। तो आप अगर ऐसे जगह आना चाहते हैं तो बेशक आइए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में VT या 4 जाना चाहेंगे तो वो गलत आइडिया होगा। बॉम्बे में ये जगह आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। आप अगर ऐसे जॉइंट्स में जाते हैं तो आपको एक चीज़ तो हमेशा नोटिस करने को मिलती है कि आप जो भी डिश लेते हैं वो डिश एक बड़े क्वांटिटी में आता है। ये इनका बड़प्पन है क्योंकि यहाँ का खाना हमेशा एक बड़े क्वांटिटी में होता है, कहीं भी चले जाइए। पर अगर आप दिल्ली जायका में आते हैं तो आपको छोटा प्लेट, एक मिड प्लेट और एक बड़ा प्लेट, वैसे करके उसका मेनू बनाया गया है ताकि अगर किसी को छोटा ही प्लेट खाना है तो वो उसमें खा सकता है, या अगर वो फैमिली के साथ आ रहा है या वो फ्रेंड्स के साथ आ रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्लेट वाजिब रहेगा। और ये चीज़ मैं कहता हूँ कि और कोई रेस्टोरेंट में अच्छे से नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको खाना मिलता है तो आपको तो पता ही है मुगलाई खाने बहुत सारे क्वांटिटी में आते हैं और काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको इसे घर ले जाना होता है। ये चीज़ आपको यहाँ नहीं करनी पड़ेगी, कस्टमर के लिए ये बाकायदा इन्होंने सोच रखा है। जो पहला डिश आप अपने सामने देख रहे हैं वो है पेशावरी चिकन। इसका नाम यहाँ पे इसलिए ऐसा फेमस है क्योंकि जो ड्रेसिंग की गई है, कलर जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए इसको पहले टेस्ट करते हैं। अगर आप दिल्ली जायका में हैं तो आप चम्मच और फोक का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो हाथ से खाने का मज़ा है वो और फोक और चम्मच से नहीं है। क्या आप देख रहे हैं कितना मुलायम, सॉफ्ट। इसकी बात ही निराली है। दिल्ली जायका ने इसे बहुत प्यार से बनाया है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये वाला डिश ज़रूर अपना है बिकॉज यहाँ पे ये वाले डिश के लिए लाइन लगती है। होगा इसका नाम है अमूल दही चिकन। अब आप कहेंगे कि ये ब्रांड क्यों कर रहे हैं अमूल दही को, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये डिश इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में दही डाला गया है और आप देख सकते हैं कि इसका जो क्वांटिटी है और दही का जो मिश्रण है वो आप देख के सोचेंगे कि ये कैसा होगा, पर मैं आपको बेट करता हूँ कि आप ये डिश 2 से 3 बार ट्राई करेंगे। ये जो उसके ऊपर गया वो दही और मिश्रण जो है एक्चुअली बटर और जो उनका जो तेल है उनका है मिश्रण है, और जिस तरीके से ये फ्लो हो रहा है आई एम श्योर कि आपको भी मुंह में पानी आ रहा होगा। इस एरिया में अगर आप हों तो आके एक दर्शन ऐसे वाले डिशेस का भी कर लिया कीजिए। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा फुल प्लेट, एक क्वार्टर प्लेट से कुछ नहीं होगा। मेरे जैसा आदमी इसे 2 या 3 बार खा सकता है। तो आप अपना सोचिए इस डिश को आप कितना रेटिंग देंगे, क्योंकि ये डिश यहाँ का सबसे पॉपुलर डिश है, अमूल दही चिकन। नाम याद रखिएगा। बात एक चीज़ जो आपको नोटिस करनी चाहिए दिल्ली जायका के बारे में कि जो तरीके से ये अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और उसके साथ ऐसा खाना देते हैं, आप सोचते होंगे कि इनके पास इतना टाइम कहाँ है, 5 मिनट में खाना ले आते हैं
चाहे वो कितना भी बड़ा क्राउड हो, आपके पास ये खाना 5 मिनट के अंदर आपके टेबल पे होता है। ये सबसे अच्छी बात है इस जगह की। वाओ, साथ ही जो फ्लेवर आ रहा है उसका, अगर आप भूखे हैं तो ये खाना तो आप पूरा हजम कर जाएंगे, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। आपने देखा कि मैंने अभी 3 डिशेस यहाँ पे टेस्ट किए, रिव्यू किया, काफ़ी अच्छी खातिरदारी हुई। और अगर आप साथ में 10 जनों को और ले आते तो बकायदा मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में खाना भी आ जाता, क्वालिटी भी आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, और साथ ही साथ आप 2-3 डिश में नहीं मानते, आप उससे ज़्यादा ही लेते। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करने को ज़रूर मिल जाएगी, चाहे कितना भी भीड़ हो, जो खाना आप खा रहे हैं वो आपके सामने जल्दी उपस्थित किया जाएगा, आपके सामने एक आदमी को रखा जाएगा ताकि आपको ये ना लगे कि खाना कम पड़ रहा है, वो हमेशा आपसे पूछते रहेगा। आप जो खाना खा रहे हैं आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने जल्दबाजी में खाना दिया है, और आप यहाँ आके ये चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिए। से यहाँ पे जो आप चॉइस करेंगे उसमें पेशावरी और दही चिकन नंबर 1 है, नो डाउट, पर इनकी निहारी, इनका बर्रा, ये भी बहुत फेमस है। अभी के लिए इतना ही, आप मेरा चैनल देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में फैलाइए, क्योंकि ये जगह आपको ढूंढने पे मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे है। तो देर ना कीजिए, जल्दी आइए।